श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर के वार्षिकोत्सव के मौके पर रविवार की रात श्री सिमेंट लिमिटेड स्थित श्री रंगमंच पर बॉलीवुड के प्रसिद्ध संगीतकार प्रीतम चक्रवर्ती की संगीत संध्या का आयोजन किया गया। संगीत संध्या के दौरान प्रीतम दा ने अपने स्वरों से जमकर जादू बिखेरा, जिसमें श्रोताओं ने भी जमकर गोते लगाए। देर रात तक जमी संगीत संध्या में एक से बढ़कर एक फिल्मी गीतों का श्रोताओं ने जमकर आनंद लिया। अपने चिर परिचित आवाज में प्रीतम दा ने जब अपने संगीत को स्वर दिया तो हमारे श्रोताओं की तालियों की गड़गड़ाहट से श्री रंगमंच गूंज उठा। आकर्षक रोशनी से चमचमाते रंगमंच पर चक्रवर्ती ने आंखों ही आंखों में करे बातें गीत को स्वर दिया। इसके बाद उन्होंने सांवली सी रात होगी, चांदनी सी रात होगी गीत की प्रस्तुति देकर रंग जमाया। उन्होंने अपने साथी कलाकारों के साथ मैं रंग शरबतों का तेरा होने लगा हूँ तथा दंगल दंगल जैसे गीतों की प्रस्तुति देकर श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। संगीत संध्या में चक्रवर्ती ने श्रोताओं की भी खूब दाद बटोरी। कार्यक्रम के दौरान कंपनी के एमिरेट्स चेयरमैन बीजी बांगड़, चेयरमैन हरिमोहन बांगड़, वाइस चेयरमैन प्रशांत बांगड़, विराज बांगड़ एवं विदुष बांगड़, प्रबंध निदेशक नीरज अखोरी सहित कंपनी के पीएन छंगानी, संजय मेहता, अरविंद खींचा, बहराम शेरडीवाला, मनोज कुमार श्रीवास्तव, शैलेश अम्बस्था, सोमशेखरा, रामाकाली प्रसाद, प्रमेश आर्य, आशीष पल्लोट, नीरज बंसल, विनय सक्सेना, सतीश माहेश्वरी आदि मौजूद थे। कंपनी के चेयरमैन हरिमोहन बांगड़ ने कहा कि श्री सीमेंट लिमिटेड की प्रगति के दो हिस्से रहे हैं, पहला वर्ष 2000 एवं दूसरा उसके बाद का। हनुमान जी की स्थापना के बाद से श्री सीमेंट ने लगातार उच्च स्तर पर प्रगति की है। इस प्रगति को देखकर देश और दुनिया के कई संस्थान अचंभित हुए हैं, जानना चाहते हैं कि आखिर श्री सीमेंट ऐसा क्या कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रगति का मुख्य आधार यही है कि हम किसी पर निर्भर नहीं रहे और आगे कदम बढ़ाते चले। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि मैं काफी अकेला हूँ या मैं अकेला काफी हूँ, अर्थात हर व्यक्ति अपनी प्रगति के लिए समर्थ एवं सक्षम है। एमिरेट्स चेयरमैन बीजी बांगड़ ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी मेहमानों का स्वागत अभिनंदन किया। इससे पूर्व कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर नीरज अखोरी ने कहा कि श्री सीमेंट एक कंपनी नहीं संस्थान है, जो अब देश नहीं दुनिया के अग्रणी संस्थानों की ओर कदम बढ़ा रहा है। उन्होंने सभी आगंतुक अतिथियों का आभार जताया। इसी क्रम में श्री सीमेंट लिमिटेड के वाइस चेयरमैन प्रशांत बांगड़ ने कहा कि श्री सीमेंट लिमिटेड ने अपने मिशन में उत्तरोत्तर प्रगति की है। जो वर्ष 2000 तक की स्थिति थी उसमें वर्ष 2000 के बाद काफी बदलाव आया है। यह हनुमान जी की कृपा है कि कंपनी ने लगातार प्रगति की ओर कदम बढ़ाए हैं। रविवार को रात संकट मोचन हनुमान मंदिर के वार्षिकोत्सव समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोविड के बाद फिर से हमारा मिलन हुआ है। इस एक साल की अवधि में हमने कंपनी में कई परिवर्तन करने का प्रयास किया है। हालांकि परिवर्तन में कई तरह की असहजताएं उत्पन्न होती है, अस्थिरता की स्थिति आती है, लेकिन जीवन परिवर्तन भी आवश्यक है, क्योंकि जो स्थायी रहा है वो गिरा है। बदलाव जीवन का हिस्सा है, यह कैसे कर सकते हैं, कैसे किया जा सकता है, इस पर हमारा फोकस होना चाहिए और हमारा लक्ष्य यह है कि आगामी 2030 तक श्री सीमेंट की उत्पादन क्षमता बढ़कर 100 मिलियन टन प्रतिवर्ष हो जाए। ये श्री सीमेंट क्या पास्ट दो हिस्सों में बटा है, एक तो 2000 के पहले और एक 2000 के बाद जब से मंदिर की हमारी स्थापना हुई। तो वेरी सरप्राइजिंग एंड वेरी नेचुरल दोनों एक साथ में कि जब से मंदिर की स्थापना हुई श्री सीमेंट का ग्रोथ अनएक्सपेक्टेड लेवल में बहुत हाई रेट में हुआ। लोगों ने और इंडस्ट्री में सब पूछते हैं कि क्या फ़र्क है श्री सीमेंट के कल्चर में, हम लोग भी तो वही काम करते हैं, हमारे वहाँ भी तो वैसा ही काम है। तो इसका जवाब बड़ा सिंपल है, जब मैं बात करता हूँ लोगों से तो और कंपनी में फीलिंग आती है कि काफ़ी अकेला हूँ, कैसे काम करूँ, और यहाँ पे फीलिंग है कि अकेला काफ़ी हूँ। तो इतनी सा फर्क है कि काफ़ी अकेला हूँ या अकेला काफ़ी हूँ, इतनी सी बात में पूरी दुनिया बदल जाती है। तो यहाँ पे हर आदमी अपने आप में पूरा काम करता है। अभी बात हुई कि शिवजी का संबंध है हमारे
हनुमान जी के साथ। तो आज एक ये और बात करते हैं कि हर हर महादेव सब जगह बात होती है, ये क्यों बात होती है, ये नारा कहाँ से आया। तो ये एक वार क्राई है। स्टोरी ऐसे जाती है कि शंकर भगवान और दूसरी साइड में अदर, तो शंकर की सेना छोटी थी, दूसरे साइड में हजारों आदमी, तो क्या किया जाए। तो जोश भरने के लिए महादेव ने कहा कि आप सब में मेरा अंश है, आप महादेव, आप महादेव, आप महादेव, हर हर महादेव। तो यहाँ पे भी हर आदमी अपने आप में पावरफुल है, हर आदमी अपने आप में सक्षम है, और इसलिए कहता हूँ मैं अगेन, हर हर महादेव। धन्यवाद। सेंट जेवियर इंग्लिश सीनियर सेकेंडरी स्कूल ब्यावर में CBSE पाठ्यक्रम द्वारा अध्यापन, स्पोकन इंग्लिश एवं पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर विशेष जोर, फोनेटिक माध्यम से अध्यापन कराने का एकमात्र स्कूल, विशेष परिवर्तित भवन, प्ले ग्रुप व नर्सरी के लिए आधुनिक सुविधा से परिपूर्ण कमरे एवं स्मार्ट क्लास द्वारा अध्यापन, वाटर कूलर एवं एक्वागार्ड की सुविधा, स्मॉल जू। गत वर्ष से कक्षा 11वीं में साइंस मैथ्स, साइंस बायो व कॉमर्स संकाय प्रारंभ। अन्य गतिविधियां एक्सटेम्पोर, वाद विवाद, अनिवार्य कंप्यूटर शिक्षा, खेलकूद, डांस, आर्ट एंड क्राफ्ट, जिम्नास्टिक, योगा। अपने बच्चों के चहुमुखी विकास एवं सुनहरे भविष्य के लिए संपर्क करें 9828050047 या 8278670248। सेंट जेवियर्स इंग्लिश सीनियर सेकेंडरी स्कूल ब्यावर, किशनगंज बोरा पेट्रोल पंप के सामने।